नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्यम। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। महाशिवरात्रि को लेकर शिवालयों में उमड़ा भक्तों का जनसैलाब, हर हर महादेव के जय घोष से गूंजता रहा शहर। जिलाधिकारी प्रणव कुमार के आदेश को निगम प्रशासन ने किया नजरअंदाज, 20 फरवरी से शुरू होने वाले ऑटो स्टैंड की डेडलाइन हुई फेल। पीएमबीयू कॉपी बिक्री का मामला पहुंचा राजभवन, कुलपति ने कहा कब और कैसे बिकी कॉपियां नहीं है जानकारी। शव का पोस्टमार्टम कराने आए ससुराल पक्ष और मायके के लोग आपस में भिड़े, जमकर चले घूसे। और अवैध संबंध को लेकर देवर ने भाभी की हत्या, 3 वर्षीय बेटे को भी किया गायब। अब समाचार विस्तार से। महाशिवरात्रि के अवसर पर भागलपुर के सभी शिवालयों एवं मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ा रहा, जो देर शाम भगवान भोलेनाथ के श्रृंगार और महाअभिषेक तक जारी रहा। भागलपुर के बूढ़ानाथ स्थित बाबा बृद्धेश्वरनाथ मंदिर में अहले सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ जुटती रही और बाबा बूढ़ानाथ की पूजा अर्चना कर भक्तों ने जलाभिषेक किया। इस दौरान पूरा मंदिर परिसर एवं बाहरी प्रांगण श्रद्धालुओं से पटा रहा और चारों ओर भगवान शिव एवं मां पार्वती का जयघोष गूंजता रहा। मंदिर प्रबंधन की ओर से पूजा को लेकर कई इंतजाम किए गए थे और पुरुष एवं महिलाओं ने कतारबद्ध होकर पूजा अर्चना की और जलाभिषेक किया। इस दौरान भक्तों में खासा उत्साह देखा गया। वहीं सभी आयु वर्ग के बच्चों के साथ पुरुष एवं महिलाओं ने भी भगवान शिव की पूजा कर मनोवांछित फल की कामना की। भागलपुर के बूढ़ानाथ मंदिर से हमारे सिल्क टीवी संवाददाता रविशंकर ने जायजा लिया। फाल्गुन मास की चतुर्दशी तिथि को मनाए जाने वाला महाशिवरात्रि के अवसर पर आज भागलपुर के बाबा बृहेश्वरनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटी हुई है। सुबह 4 बजे से ही यहां हजारों की संख्या में श्रद्धालु लगातार दूर दूर से आ रहे हैं और भागलपुर के आसपास के क्षेत्रों से बाबा बृहेश्वरनाथ मंदिर आने वालों की लगातार सुबह से कतार लगी हुई है और मंदिर प्रशासन की ओर से और जिला प्रशासन की ओर से इसको लेकर काफ़ी व्यापक तैयारियां की गई है और आप आगे भी देखेंगे कि किस तरह से भागलपुर में महाशिवरात्रि का त्यौहार मनाया जा रहा है और कितनी श्रद्धा के साथ श्रद्धालु लगातार भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक कर रहे हैं। आइए हम देखते हैं। हम भागलपुर के बाबा बूढ़ानाथ मंदिर में मौजूद हैं और महाशिवरात्रि के अवसर पर यहां हजारों की तादाद में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी हुई है और सुबह से ही लगातार यहां श्रद्धालु दूर भागलपुर सहित आसपास के क्षेत्रों से लगातार आ रहा है और भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक कर रहे हैं और पूरी आस्था का जन सैलाब यहाँ उमड़ा पड़ा हुआ है। आइए हम जानते हैं मंदिर के प्रबंधक से कि यहाँ किस प्रकार तैयारियाँ की गई है और क्या कुछ विशेष इंतजाम किए गए हैं श्रद्धालुओं के लिए। जी बताइए कि क्या इंतजाम किए गए। जी, बाबा बूढ़ानाथ मंदिर में हम लोग वैसे तो रंगाई पुताई का काम 1 महीने से चल रहा था जो कि कल कंप्लीट हो गया और कल बाबा के श्रृंगार के लिए फूल वगैरह सब कल ही आ गया था, माली सजा रहा था कल से ही और बैरिकेटिंग वगैरह रात में ही हम लोग करवा दिए थे। निःशुल्क दूध, गंगा जल, फूल बेलपत्र इत्यादि की भी व्यवस्था की गई थी और मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, चैनल के माध्यम से ये भी सूचित कर दिया गया था माताओं बहनों और जो भी सोसाइटी समाज है कि कृपया आप लोग अपना कीमती आभूषण इत्यादि वगैरह पहन के आएँ तो थोड़ा सुरक्षा में रखें। आइए हम बात करते हैं यहाँ के स्थानीय पार्षद से और क्या कुछ तैयारी है उनकी। बाबा बूढ़ानाथ मंदिर बिहार में इकलौता मंदिर है। बिहार और झारखंड जब एक साथ था तो देवघर और बासुकीनाथ
जब बिहार से झारखंड में चला गया तो अब बिहार में मात्र एकलौता मंदिर है जो बाबा बद्रेश्वर नाथ और बूढ़ानाथ मंदिर के नाम से हम लोग जानते हैं। यहाँ लोगों का श्रद्धा बहुत ज़्यादा है। आज महाशिवरात्रि के शुभ अवसर लाखों लाख की संख्या में श्रद्धालु पूजा करने आते हैं और आए भी हैं जी। हम और भी कुछ युवाओं से बात करते हैं जो यहाँ श्रद्धालु पूजा करने आए हैं जी, बताइए। सबसे पहले बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आकर, मेरा मन पूर्ण हो गया। बलिहार के बारे में बहुत ही अच्छा सुने हैं, बहुत ही आपका बहुत ही अच्छा लगा। आज भगवान से कामना करते हैं जितने भी और सब आशीर्वाद करना है। महाशिवरात्रि बहुत अच्छा स्पेशल फेस्टिवल है, जैसे लेडीज़ लोग निर्जला करती है वैसे मैंने भी की है निर्जला, एंड बहुत अच्छा फेस्टिवल हम लोग करना चाहते हैं। अच्छा वर्ड मिलर ऑल द बेस्ट फॉर गर्ल्स। और बाबा बूढ़ानाथ मंदिर है क्या विशेष बात है? मंदिर बहुत यहाँ पे अनुराग अपेक्षा तो पूरी हो सकती है। वहीं नाथनगर स्थित मनस्कामना नाथ मंदिर में भागलपुर शहरी क्षेत्र के अलावा सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से भी शिवभक्त बाबा मनस्कामना नाथ का जलाभिषेक करने पहुंचे। महाशिवरात्रि को लेकर मंदिर प्रबंधन ने विशेष पूजा अर्चना एवं मुख्य श्रृंगार का आयोजन किया, जबकि सुबह से ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। ऐसी मान्यता है कि मनस्कामना नाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने से भक्तों की मनोकामना पूरी होती है, इसलिए मंदिर में कई जिले एवं दूर दराज के क्षेत्रों से श्रद्धालु जलाभिषेक करने पहुँचते हैं। प्रसिद्ध मनस्कामना नाथ मंदिर नाथनगर में मौजूद है और आसपास के क्षेत्रों में भारी संख्या में सुबह से और हमें अब दोपहर का वक्त होता है, इस वक्त भी लगातार श्रद्धालुओं का आने का सिलसिला जारी है और शाम में भव्य श्रृंगार और महाभिषेक का आयोजन किया जाएगा मंदिर प्रबंधन की ओर से। आइए हम आपको दिखाते हैं क्या कुछ तैयारियां हैं और किस तरह से महाशिवरात्रि को लेकर बाबा मनस्कामना नाथ मंदिर में श्रद्धालुओं का उत्साह देखा जा रहा है। वहीं भागलपुर के कोतवाली चौक स्थित गोपेश्वर नाथ मंदिर में भी शिव भक्तों ने पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की और गंगा जल दूध दही मधु समेत पंच गव्यों से अभिषेक किया। महाशिवरात्रि को लेकर मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया एवं देर शाम भगवान शिव की बारात भी निकाली गई। वहीं आदमपुर स्थित शिव शक्ति मंदिर में महाशिवरात्रि को लेकर मंदिर के महंत अरुण बाबा की देखरेख में भव्य तैयारी की गई। शिव शक्ति मंदिर भव्य पूजा के साथ अपनी आकर्षक साज सज्जा के लिए भी प्रसिद्ध है। यह मंदिर शहर के बीचों बीच स्थित होने के कारण श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना हुआ है। शिव शक्ति मंदिर में महामृत्युंजय मंत्र के अखंड हवन पूजन का आयोजन किया गया, जिसमें महिला एवं पुरुष के साथ युवक युवतियों ने भी आहुति दी। शिव शक्तिनाथ महादेव के दरबार को रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया, जबकि त्रिपुर सुंदरी माता पार्वती के दरबार में पूरे भक्ति भाव से महिलाओं ने पूजा अर्चना की। इसके अलावा मंदिर के आसपास पूजन सामग्री के साथ अन्य वस्तुओं की दुकानें भी सजाई गई और महाशिवरात्रि के मौके पर मंदिर परिसर के बाहर मेला सा माहौल दिखा। साथ ही भागलपुर के भिकनपुर, मिर्जानहाट, सिकंदरपुर, तिलकामांझी, खंजरपुर, वैरायटी चौक एवं गौशाला समेत कई मंदिरों में शिवरात्रि पर भगवान शिव एवं माँ पार्वती की पूजा अर्चना की गई। महाशिवरात्रि के मौके पर भागलपुर के बूढ़ानाथ मंदिर, शिव शक्ति मंदिर, मनस्कामना नाथ मंदिर समेत विभिन्न जगहों पर तोरण द्वार बनाया गया और सड़कों के किनारे पूजन सामग्री, खिलौने एवं फल की दुकानें भी सजाई गई, जहां भक्तों ने जमकर खरीदारी की और पूरी सड़क श्रद्धालुओं से पटी रही। महाशिवरात्रि के अवसर पर भागलपुर सिर्फ टीवी का कारवा पहुंच चुका है भागलपुर के आदमपुर स्थित शिव शक्ति मंदिर में और यहां पर हम जानेंगे कि क्या कुछ विशेष तैयारियां की गई है महाशिवरात्रि को लेकर और दर्शक श्रद्धालुओं में क्या कुछ उत्साह देखा जा रहा है, ये सब हम आपको दिखाएंगे। और फिलहाल पहले जानेंगे मंदिर के महंत अरुण बाबा से कि क्या कुछ तैयारियां और क्या विशेष महत्व है महाशिवरात्रि का। महाशिवरात्रि बड़ा पवित्र दिन है, आज के दिन शिव और शिवा का मिलन हुआ था, अगर शिव शिवा नहीं मिलता तो इस सृष्टि में स्पंदन भी नहीं होता, इसलिए आज शिवरात्रि व्रत करने से महिलाओं की भाग्य की रक्षा होती, कुमारी कन्या व्रत को मनोवांछित वन प्राप्त होता है और जो भी लोग इच्छा करते हैं उनकी इच्छा पूर्ति होती है। आज शिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव और पार्वती जी का मिलन हुआ, जैसे भगवान जी से जगह
स्थान हुआ था जिसमें हम सभी युवा लोग आज भक्तिपूर्वक आज शिव मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं और भगवान शिव से अपनी मनोकामना पूर्ण के लिए पूर्ण हो इसके लिए हम लोग भक्ति करते हैं और जन कल्याण के लिए भगवान शिव से। ये जो शिव जी का स्थान है बड़ा ही जागृत स्थान है, 89 में स्थापना हुई थी, तब से आज तक मैं यहाँ आती हूँ, रुद्राभिषेक भी करती हूँ, जो भी आपकी मनोकामना हो वो यहाँ जरूर पूरी होती है। बहुत इम्पोर्टेंट है ये सब, हम लोग बहुत सारे विश भी लेके आते हैं यहाँ पे और क्या है, और एक साल में एक बार आते हैं। मे भी ये पर्व को कुछ ज़्यादा स्पेशल रहता है और बहुत इंटरेस्टिंग पर्व भी रहता है, तो इसमें तो कुछ ज़्यादा खास नहीं कि हम लोग मतलब ये पर्व करते और फिर लास्ट में एक फंक्शन टाइप से मनाते हैं जिस टाइम भोला जी का शादी होता है, मतलब उस टाइम बहुत एक्साइटेड रहते हैं हम लोग देखने के लिए कि किस टाइप का ये बराती बराती सब निकल रहा, और जैसे कि गौरा जी के कान में कुछ बोला जाता है तो विशेष मांगा जाता है तो उससे पूरी होती है विशेष, इसलिए बोला जाता है। काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है महाशिवरात्रि को लेकर और सभी की अपनी अपनी मान्यते हैं भगवान भोलेनाथ से, और इसे पहुँचाने के लिए नंदी जी महाराज का के कानों में कुछ कहा भी जाता है, भक्त अपनी मन्नत रखते हैं। और इसी के साथ महाशिवरात्रि के अवसर पर सिर्फ टीवी के का यह कारवा आज के लिए यहीं तक, कैमरा पर्सन सुमित कुमार के साथ रविशंकर सिन्हा, सिर्फ टीवी भागलपुर। भागलपुर के जिलाधिकारी प्रणव कुमार एक तरफ शहरवासियों को जाम से छुटकारा दिलाने के लिए प्रयास कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ नगर निगम प्रशासन डीएम के आदेश को ठेंगा दिखा रहा है। दरअसल स्मार्ट सिटी भागलपुर में प्रतिदिन लगने वाले जाम से निजात के लिए जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने पिछले दिनों नगर निगम के अधिकारियों को 20 फरवरी से तिलकामांझी सरकारी बस स्टैंड से ऑटो पड़ाव शुरू करने का आदेश दिया था, जिसके बाद निगम ने कछुआ की चाल में ऑटो स्टैंड का काम शुरू किया। वहीं नगर निगम के उप नगर आयुक्त सत्येंद्र वर्मा से जब ऑटो स्टैंड के कार्यों की जानकारी ली गई तो उन्होंने दावा किया कि 20 फरवरी से ऑटो टोटो स्टैंड चालू हो जाएगा। क्या कहा था नगर निगम के उप नगर आयुक्त सत्येंद्र वर्मा ने, आप खुद सुन लें। जहाँ तक ऑटो स्टैंड को चालू करने का प्रश्न है, इस संदर्भ में जिला पदाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में 7/2/2012 को एक बैठक हुई, जिसमें जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा शहर में आए दिन लग रहे जाम पर काफ़ी क्षोभ व्यक्त किया गया और निर्देश दिया गया कि इससे निजात पाने के लिए एकमात्र उपाय जो हमें दिखता है वो है टेम्पू स्टैंड को शिफ्ट करने का। तो टेम्पू स्टैंड को शिफ्ट करने के लिए बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की जो तिलकामांझी रोड में, तिलकामांझी से बारी वाले रोड में बीच में जो है रोड, वहाँ जगह चिन्हित किया गया है और उन लोगों से सहमति प्राप्त है, उसमें नगर निगम को निर्देश दिया गया है कि यथाशीघ्र वहाँ बेसिक एमिनिटीज डेवलप कर करके हम लोग 20 तारीख से ऑटो स्टैंड विधिवत प्रारंभ करें। बहरहाल 20 फरवरी से ऑटो पड़ाव तो शुरू नहीं हो पाया, लेकिन निगम के अफसरों ने डीएम प्रणव कुमार के आदेश को हवा हवाई जरूर साबित कर दिया। क्या है ऑटो स्टैंड की सच्चाई, आइए हम आपको दिखाते हैं। स्मार्ट सिटी भागलपुर में प्रतिदिन लगने वाले जाम को लेकर जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने यह पहल की थी कि शहर में जाम ना लगे, शहरवासियों को जाम से निजात मिले। इसको लेकर जिलाधिकारी ने पिछले दिनों तिलकामांझी स्थित सरकारी बस स्टैंड से ऑटो पड़ाव शुरू करने का आदेश जारी किया था, लेकिन इस आदेश का एक पखवाड़े के भीतर भी कोई पालन नहीं हुआ। आप देख सकते हैं इस वक्त हम मौजूद इसी स्टैंड में हैं और जहाँ से ऑटो स्टैंड शुरू होना था उस स्टैंड की स्थिति क्या है, बस जो टेम्पू पड़ाव शुरू होने थे उस पड़ाव की स्थिति क्या है, आप देख सकते हैं कि काम की गति कितनी धीमी है, कि यह गति को कितनी काम की गति धीमी है उससे यह सहज अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितने दिनों में यह स्टैंड जो है तो बनकर तैयार होगा, ऑटो स्टैंड बनकर तैयार होगा। और खुद जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने नगर निगम प्रशासन को, नगर निगम के अधिकारियों को यह निर्देश दिया था कि आप जल्द से जल्द ऑटो स्टैंड को शुरू करें, लेकिन आज 15 दिन से ज़्यादा बीत चुके हैं, लेकिन इस स्टैंड की जो काम की जो गति है देख सकते हैं कितनी धीमी गति है और किस तरीके से काम हो रहा है। साथ ही अगर बात करें तो ये जो ऑटो स्टैंड बन रहा है यहाँ मूलभूत सुविधाओं की काफ़ी कमी है, ना लाइटिंग की अब तक व्यवस्था की गई है, ना ही शौचालय की व्यवस्था है, ना ही पेयजल की व्यवस्था की गई है। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुमित के साथ सैयद इनामुद्दीन, सिल्क टीवी, भागलपुर। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा एकलव्य प्रतियोगिता के दौरान कॉपी बेचने का मामला राजभवन तक पहुँच गया है।
दरअसल विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने परचेज एंड सेल कमेटी को दरकिनार करते हुए लाखों रुपए की कॉपियां बेच दी है, जबकि यूनिवर्सिटी एक्ट के अनुसार किसी भी तरह की खरीद और बिक्री का मामला पहले परचेज एंड सेल कमेटी में रखा जाता है, इसके बाद ही सामानों की खरीद या बिक्री होती है। हम आपको बता दें कि परचेज एंड सेल कमेटी के चेयरमैन कुलपति होते हैं, साथ ही वित्त परामर्शी, 3 नॉमिनेटेड सिंडिकेट सदस्य और वित्त पदाधिकारी भी रहते हैं। इन सबको अलग थलग करते हुए TMBU के प्रभारी कुलपति प्रोफेसर अवध किशोर राय ने कॉपी बेचने का अप्रूवल दे दिया। जब सीनेट की बैठक हुई तो इसमें कुलपति ने खुद के बचाव में कॉपी बेचने की जानकारी सदन से छुपा ली। दरअसल 19 फरवरी को सीनेट की वार्षिक बैठक में कॉपी बेचने का मामला सीनेटर डॉक्टर मृत्युंजय सिंह गंगा ने उठाया था और इस पर कुलपति ने सफाई दी थी कि कॉपी बिकने की जानकारी उनके पास नहीं है। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि जब कुलपति प्रोफेसर AK राय ने खुद ही कॉपी बेचने का अप्रूवल दिया था तो वह इसकी जांच कैसे कराएंगे और कार्रवाई किस पर करेंगे? आपके जो सुझाव आते हैं, जो सलाह आते हैं, उसके अनुरूप विश्वविद्यालय काम करती है। हो सकता है कि इम्प्लीमेंटेशन में देर होता हो, लेकिन अगर कुछ ऐसी गड़बड़ी हुई जो आपने पॉइंट रेज किया, कैसे हो गया, कॉपी बिक गई क्या नहीं, ये सारी सूचना मेरे पास नहीं है, लेकिन इसका हम लोग जांच करा लेंगे अपने स्तर से। उसमें सत्य क्या है और कैसे हुआ, पैसा कहाँ गया, अगर कोई दोषी व्यक्ति होगा तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि न्याय के अनुसार, स्टेट्यूट और एक्ट के अनुसार उन पर कार्रवाई की जाएगी। भागलपुर कहलगांव काजीपुर में संतान नहीं होने पर विवाहिता अंजलि कुमारी ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। इसके बाद पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जवाहरलाल नेहरू अस्पताल मेडिकल कॉलेज भेज दिया। वहीं जब विवाहिता के परिजन पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे तो आक्रोशित होकर ससुराल पक्ष के लोगों के साथ मारपीट करने लगे। बाद में मौजूद लोगों ने हस्तक्षेप कर आक्रोशितों को शांत कराया। विवाहिता के परिजनों ने ससुराल वालों पर दहेज और संतान पैदा न करने के लिए हत्या करने का आरोप लगाया है। बांका पंजवारा थाना क्षेत्र के लखपुरा गांव में शुक्रवार की सुबह महिला का शव बरामद हुआ है। जानकारी के अनुसार महिला की गला दबाकर हत्या करने के बाद अपराधियों ने 3 वर्षीय मासूम पुत्र को भी गायब कर दिया। घटना को लेकर पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पंजवारा पुलिस सब को अपने कब्जे में लेकर जांच में जुट गई है। घटना को लेकर मृतिका के परिजनों ने बताया कि जूही की शादी 7 वर्ष पूर्व सनोज दास के साथ हुई थी। सनोज दिल्ली में रहकर मजदूरी करता था। वहीं मृतिका का देवर के साथ अवैध संबंध था। घटना के समय मृतिका का 3 वर्षीय पुत्र कुणाल माँ के साथ था, लेकिन हत्या के बाद से ही मृतिका का पुत्र कुणाल भी गायब है। परिजन बच्चे के गायब होने से अनहोनी की आशंका जता रहे हैं। वहीं घटना के बाद से मृतिका के ससुराल वाले भी घर छोड़कर फरार हो गए हैं। फिलहाल पंजवारा पुलिस घटना के हर एक बिंदु पर बारीकी से जांच कर रही है। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी हाँ, अब आपके शहर भागलपुर में विश्व स्तरीय पढ़ाई की सुविधा पहली बार। GD गोइंग का पब्लिक स्कूल, CBSE कॉरिकुलम, नर्सरी से 7th तक की पढ़ाई, सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशन कैंपस, AC बस विथ GPS एंड CCTV, चाहे आवासीय हो या डे स्कॉलर, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पढ़ाई के साथ साथ योग, खेल, कला और ई लाइब्रेरी भी। हमारा पता है GD गोइंग का पब्लिक स्कूल, G6 बिशनपुर भागलपुर। कॉन्टेक्ट नंबर 7672800010। एडमिशन इज गोइंग ऑन। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बांका के 37वें जिलाधिकारी के रूप में सुहर्ष भगत ने योगदान दिया। DM कुंदन कुमार से पदभार ग्रहण करने के बाद नव पदस्थापित जिलाधिकारी सुहर्ष भगत ने कहा कि उन्नयन योजना में DM कुंदन कुमार का कार्य सराहनीय है। साथ ही उन्होंने कहा कि अब बांका में उन्नयन योजना के कार्यों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी उनकी है। वहीं उन्नयन योजना के लिए बिहार सहित अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त करने वाले DM कुंदन कुमार के लिए विदाई समारोह का आयोजन किया गया। विदाई समारोह में DM कुंदन कुमार ने कहा कि बांका के लोगों ने उन्हें बहुत प्यार दिया। सरकारी नौकरी में आना जाना तो लगा रहता है, पर मैं कभी बांका को नहीं भूल पाऊंगा। विदाई समारोह में कई वक्ताओं ने जिलाधिकारी कुंदन कुमार के कार्यों की सराहना की।
साथ ही उपस्थित अतिथि एवं विभाग के अधिकारियों ने बुके देकर नए जिलाधिकारी का स्वागत किया एवं पुराने जिलाधिकारी को विदा किया। नाथनगर थाना क्षेत्र के नूरपुर गांव में गुरुवार को संदिग्ध अवस्था में राजपुर स्थित एसकेपी विद्या विहार के छात्र नीतीश कुमार का शव बरामद हुआ है। नीतीश रजौन थाना क्षेत्र के खरवा निवासी कैलाश प्रसाद सिंह का पुत्र था। मृतक छात्र एसकेपी विद्या विहार विद्यालय के 10वीं का छात्र था और विद्यालय के छात्रावास में ही रहकर पढ़ाई कर रहा था। छात्र की मौत के बाद परिजनों का गुस्सा फूटा और परिजन सब को राजपुर स्थित विद्यालय के मुख्य द्वार पर रखकर हंगामा करने लगे। मौके पर SDPO DC श्रीवास्तव दलवल के साथ पहुंचे और मामले को शांत कराया। घटना को लेकर मृतक की नानी ने बताया कि सुबह करीब 3 बजे नूरपुर राजपुर टोला के समीप 5 व्यक्ति नीतीश का शव फेंक कर चले गए। साथ ही परिजनों ने विद्यालय के प्राचार्य मानस कुमार पाठक एवं अन्य छात्रों पर नीतीश की हत्या का आरोप लगाते हुए अमरपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई। SKP विद्या मंदिर है, उसमें एक नीतीश नाम का लड़का क्लास 10th में पढ़ रहा था। CBSE बोर्ड का उसको एग्जाम देना था, तो 17 तारीख को विद्यालय से वो निकल के गया और 19 तारीख को कल सूचना मिली विद्यालय को कि उसका एक्सीडेंट हो गया है। एक मनीष नाम का ही लड़का जो स्टूडेंट इसी विद्यालय में पढ़ता है, हॉस्टल में रहता है, वो फ़ोन किया कि उसका एक्सीडेंट हो गया है। फिर यहाँ से डेथ होने के बाद डेड बॉडी परिजन लेके आए अमरपुर थाना, उसमें हम लोगों ने उनके लिखित आवेदन पर हत्या का कांड दर्ज कर दिया गया है। उसी में उसका पोस्टमार्टम होने के बाद मृतक नीतीश कुमार के नानी वगैरह डेड बॉडी लेके आई थी विद्यालय में, SKP विद्या मंदिर में, तो यहीं पर उन लोगों का गिरभांसेज था, इसकी जाँच की जाए। मेरे नाती का हत्या हुआ है तो हम लोग ने FIR दर्ज कर लिया है। भारतीय रेल ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों को बेहतर सुविधा देने का दावा करती है, लेकिन इन दावों की हकीकत की पोल उस समय खुल जाती है जब एक बोगी में 70 की जगह 300 यात्री सफर करते हैं या तब जब कोई ट्रेन अपने निर्धारित समय से घंटों लेट चलती है। दरअसल भागलपुर से दिल्ली जाने वाली विक्रमशिला एक्सप्रेस में भेड़ बकरियों की तरह यात्रा कर रहे यात्रियों ने रेल प्रशासन पर कई सवाल खड़े कर दिए। यात्रा कर रहे यात्रियों ने बताया कि सफर के समय वह काफी असुरक्षित महसूस करते हैं। आप खुद ही सुन लें कि यात्री किस तरह ट्रेन से यात्रा करने को मजबूर हैं। बाथरूम करने जाए तो आदमी कैसे जाए, तो बाथरूम में 10-10 लोग बैठे हुए हैं, आदमी किस तरीके से चल रहा है, सफर है, धक्का खत्म हो जा रहा है, आदमी को सफर तो करना है, कोई सुविधा नहीं मिलती। पेशाब लगा हुआ भागलपुर से अभी तक पेशाब करने का रास्ता नहीं है, सब में उसमें मुसाफिर। कौन सी ट्रेन में सफर कर रहे हैं आप? आनंद विहार में। इतना कष्ट हो रहा है कि बैठने के लिए बहुत आदमी को सोचना पड़ता है, बच्चे को स्थिति से जा रहा है, ये सरकार नहीं जानते हैं। आनंद विहार जाना चाहता हूँ, बहुत भीड़ चल रहा है गाड़ी में, मैं कैसे सफर कर रहा हूँ। आज तारीख कितनी है? आज तारीख 20 तारीख है। 20 क्या है? 2020। देवाधिदेव महादेव के पावन त्यौहार महाशिवरात्रि के अवसर पर बाबा भोलेनाथ को जल अर्पित करने मंदिरों और शिवालयों में भक्तों की खासी भीड़ देखी गई। सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ मंदिर में उमड़ने लगी और भक्तों ने गंगा जल, अक्षत, फूल, बेलपत्र, भांग एवं दूध अर्पित कर भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा की। महाशिवरात्रि को लेकर पंजवारा के समीप खटने स्थित काष्ठहरनाथ मंदिर, पंजवारा स्थित गणिनाथ मंदिर समेत कई अन्य मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रही। वहीं सनहौला प्रखंड के चंडिका स्थान एवं सनोखर शिव मंदिर में भी भक्तों में शिवरात्रि को लेकर काफी उत्साह देखा गया। भगवान शिव को जल अर्पित कर मनोकामना पूर्ण करने भक्तों की भीड़ सुबह से ही मंदिर परिसर में देखी गई। और अंत में चलते चलते एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। महाशिवरात्रि को लेकर शिवालयों में उमड़ा भक्तों का जन सैलाब, हर हर महादेव के जय घोष से गूंजता रहा शहर। जिलाधिकारी प्रणव कुमार के आदेश को निगम प्रशासन ने किया नजरअंदाज, 20 फरवरी से शुरू होने वाले ऑटो स्टैंड की डेडलाइन हुई फेल। PMBU कॉपी बिक्री का मामला पहुंचा राजभवन, कुलपति ने कहा कब और कैसे बिकी कॉपियां नहीं है जानकारी। शव का पोस्टमार्टम कराने आए ससुराल पक्ष और मायके के लोग आपस में भिड़े, जमकर चले घूसे। और अवैध संबंध को लेकर देवर ने भाभी की हत्या, 3 वर्षीय बेटे को भी किया गायब। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।